तो हमें लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल क्या कहलाते हैं, हमें ये बताना है, उनका एक एग्जांपल देना है, और हमें ये बताना है कि हाइड्रोफोबिक सोल जो है वो इजिली कोएगुलेट क्यों हो जाता है। तो देखो जरा, तो सबसे पहले हम लायोफिलिक सोल की डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सोल जो लिक्विड में डालते ही कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले, तो ऐसे सोल को हम लायोफिलिक सोल कहते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपकी गम हो, जिलेटिन हो, अगार अगार हो, प्रोटीन। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज ये है और डिस्पर्शन मीडियम जो है अगर आपका वाटर है, तो इनको आप वाटर में जैसे ही डालोगे तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। और अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो लायोफिलिक सोल को हम हाइड्रोफिलिक सोल भी बोलते हैं। इफ डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर देन लायोफिलिक सोल इज नोन एज हाइड्रोफिलिक सोल। तो जब हम डिस्पर्शन फेज जो है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं और तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लायोफिलिक सोल बोलते हैं। अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो लायोफिलिक सोल हमारा हाइड्रोफिलिक सोल जो है वो कहलाने लगता है। तो यहाँ पे आपका स्टार्च भी आ जाएगा, आपका ग्लाइकोजन भी आ जाएगा, आपका एल्ब्यूमिन भी आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके लायोफिलिक सोल के। अब हमें आपको लायोफोबिक सोल जो है वो बताना है। तो लायोफोबिक सोल जो है वो क्या कहलाते हैं, तो ऐसे सोल जिनको डिस्पर्शन मीडियम में डालने पर तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, उनको किसी स्पेशल मेथड के थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसे सोल को हम लायोफोबिक सोल बोलते हैं। तो अगर आपका डिस्पर्शन फेज जो है सपोज कि गोल्ड है या सिल्वर है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो आपका वाटर है, तो गोल्ड या सिल्वर को वाटर में डालोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, डिसॉल्व भी नहीं होंगे। एक स्पेशल मेथड ब्रेडिंग आर्क मेथड के थ्रू हम जो है गोल्ड सोल या सिल्वर सोल को प्रिपेयर करते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपको एक बीकर लेना होता है, इसमें हमें पानी भरना होता है, ठीक है, और गोल्ड की या सिल्वर की दो ऐसी रॉड जो है वो डाल देते हैं, इन रॉड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है तो थोड़ा बहुत गोल्ड के पार्टिकल्स जो है जहाँ पे इस वाटर में सस्पेंडेड हो जाते हैं और गोल्ड सोल जो है वो हमारा बन जाता है। इसको हम एक आइस चैम्बर में रखते हैं ताकि गोल्ड के पार्टिकल जो है वो इवोपरेट ना हो पाए, ठीक है। थोड़ा सा क्यूएच भी डाल दिया जाता है ताकि ये सोल हमारा स्टेबलाइज रहे। तो अगर डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर है तो लायोफोबिक सोल हमारा क्या कहलाने लगता है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक सोल कहलाने लगता है अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम जो है वो क्या है, वाटर है। तो लायोफोबिक सोल जो है वो स्पेशल मेथड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं और लायोफिलिक सोल जो है वो डायरेक्ट ही आप सॉल्वेंट में डालोगे तो आपका सोल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, आपका आर्सेनिक सल्फाइड, आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लायोफोबिक सोल के। अब हमें ये बताना है कि हाइड्रोफोबिक सोल जो है वो इजिली कोएगुलेट हो जाता है, हाइड्रोफिलिक सोल जो है वो इजिली कोएगुलेट नहीं होता। उसका रीजन सिंपल सा ये है, सपोज आपने स्टार्च का सोल बनाया, स्टार्च जो है वो नेगेटिवली कोलाइडल कहलाता है और जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो ये इजिली कोएगुलेट नहीं होता है। उसका रीजन ये है
कि स्टार्च के पार्टिकल पे वाटर की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है। तो जब तक ये वाटर की प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक नहीं होगी तब तक कोएगुलेशन नहीं होगा। तो हाइड्रोफिलिक सोल में क्या होता है, वाटर की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है जो कि सोल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जबकि हाइड्रोफोबिक सोल में ऐसा कुछ नहीं होता। इस कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आप डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पे क्या होता है कि इन पे जो चार्ज होता है, कोलाइडर सॉल्यूशन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब न्यूट्रल कोलाइडर पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट हो जाएंगे तो एग्रीगेशन पे क्या होगा, उनका मास जो है वो बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब चार्ज था तो चार्ज के कारण पार्टिकल एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे थे। अब चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, किसने किया, इलेक्ट्रोलाइट ने किया। तो अब ये पास पास आ गए, आपस में जुड़ गए, क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। तो हाइड्रोफोबिक सोल में आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इजिली कोएगुलेट हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक सोल में आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे थोड़ा सा तो इजिली कोएगुलेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहां पे वाटर की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है, जबकि यहां पे ऐसी कोई लेयर नहीं बनती। तो यहां पे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको और बता देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो है वो बनता कैसे है, तो देखो जरा, जो हमारा फेरिक क्लोराइड है, इस फेरिक क्लोराइड को हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं। तो ये FeOH होल थ्राइस बनेगा और क्या बनता है, HCl बन जाता है। इक्वेशन को हमें करना है बैलेंस, तो इधर पे आप लगाओगे 2 तो इधर पे आपको 2 करना पड़ेगा, आयरन 2 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, तो इधर पे हमको 6 कर दो। तो ये इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस हो जाती है, अभी नहीं, अब करना है 6, अब हो जाएगी बैलेंस, ठीक है। तो अभी ये सिंपल रेशियो में नहीं है तो ये ऐसा हो जाएगा, Fe Cl3 + 3 H2O से बनेगा FeOH होल थ्राइस एंड 3 HCl। अब ये सिंपल रेशियो में आ चुकी है। अब देखो यहां पे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, अब FeCl3 में आयन है Fe+3 एंड Cl-, और इसमें Fe+3 एंड OH-, ठीक है ना। तो आयन कौन से कॉमन है, ये और ये, इस कारण होता क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पे Fe+3 आयन जो है, ये वाले इसको सराउंड करते हैं, जिस कारण ये जो है हमारा पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। अब क्या करोगे, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सपोज NaCl डाल दिया, तो NaCl का जो क्लोराइड नेगेटिव है वो क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो FeCl3 बनाएगा। तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब चार्ज के कारण क्या था कि FeOH होल थ्राइस के जो दूसरे पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब चार्ज खत्म हो गया तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कोएगुलेशन का।